नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। देश में इस वक्त हर तरफ डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जा रहा है, लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल रिश्वतखोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको चौंका देगा, जहां कानपुर में एक सीमेंट व्यवसायी से उनका ट्रक रोक कर कथित तौर पर GST अधिकारी बनकर पुलिस वालों ने 10,000 की रिश्वत गूगल पे के जरिए ले ली। इसके बाद व्यापारी ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत भी की। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने जिस खाते पर गूगल पे किया था उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इसके हैरानी की बात तो ये है कि FIR दर्ज होते ही घूस में लिए हुए 10,000 रुपए रिश्वत लेने वाले ने कारोबारी के अकाउंट में वापस कर दिया। अब यह मामला कानपुर में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस घूस लेने वाले असली आरोपी की तलाश में जुट गई है। कानपुर के रहने वाले नवीन बड़े सीमेंट कारोबारी हैं। उनका एक ट्रक शुक्रवार की सुबह सीमेंट लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में एक बोलेरो सवार पुलिसकर्मी ने गाड़ी रोक ली। पुलिसकर्मी ने बताया कि गाड़ी में GST अधिकारी बैठे हैं और आपकी गाड़ी के कागज मांग रहे हैं। गाड़ी में कुछ अधिकारी जैसे लोग बैठे भी हुए थे, लिहाजा ड्राइवर से कागज लेकर पुलिस वालों ने गाड़ी में बैठे अधिकारियों को दिखाया। इसके बाद कथित पुलिस कर्मियों ने कहा, कागज गलत है, अब तुम्हारी गाड़ी जब्त कर दी जाएगी। ये सुनकर ड्राइवर घबरा गया और उसने तुरंत मालिक नवीन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस वालों ने बताया कि अधिकारी 10,000 रुपए की घूस मांग रहे हैं। ड्राइवर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए पुलिस वालों ने सेवालाल नाम के अकाउंट पर 10,000 का गूगल पेमेंट व्यापारी से करवा लिया। इसके बाद व्यापारी ने व्यापार मंडल के साथ जाकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और पूरी कहानी बताई। कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पनकी थाने में व्यापारी की तरफ से FIR दर्ज करा दी। इस मामले में ACP निशांत शर्मा का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर FIR दर्ज कर ली गई है। जिस अकाउंट नंबर पर रिश्वत के पैसे लिए गए थे उसके आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। वैसे पुलिस अभी ये नहीं साफ कर पाई है कि घूस लेने वाले असल में सिपाही थे या कोई नकली सिपाही बनकर घूस ले रहा था। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।